भीड़ की बात करें तो देख ही रहे, पूरा ट्रेन ही फुल है और अभी होने वाली है, धीरे धीरे और हो जाएगी। पूरा कुछ ऐसा रहता भाई साहब, देख सकते हैं। अभी क्रॉसिंग कर रही है टाटा नगर सुपर एक्सप्रेस। चले आप लोग का हम अंकित वापस से आपको एक न्यू ट्रेन जर्नी पर लेके चलते हैं। और आज आपका भाई का ट्रेन जर्नी होने वाला है 032-31 राजगीर दानापुर पैसेंजर ट्रेन। तो भाई साहब अभी आपका भाई का लगातार जर्नी हो रही थी, तो सोचे कि आपके लिए एक आज लोकल ट्रेन की जर्नी लाते बिहार का, क्योंकि भाई साहब आप लोग चेन्नई का भी वीडियो देख सकते हैं, देख लिए हैं लोकल ट्रेन का। तो चलिए अपना बिहार का दिखाते हैं कैसा यहाँ पर लोकल ट्रेन की जर्नी होती है। तो दिखाते हैं, पहला बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट करें। इसी तरह अगर लगातार ट्रेन जर्नी देखना चाहते हैं ना तो बने रहिए मेरे चैनल पर। और भाई साहब बात करें पटना जंक्शन की, तो पटना जंक्शन जिसका स्टेशन कोड होता है PNB, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो 10 है। इसे ओपन किया गया था 1964 ईस्वी में, इसे इलेक्ट्रीफाई किया गया था 1968 में। तो भाई साहब लगभग यहां पर 308 ट्रेन का डेली हॉल्ट है और यहां से 22 ट्रेन डेली ऑरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है, और करीब करीब 30 ट्रेन यहां पैसेंजर ट्रेन यहां से ऑरिजिनेट होती है और टर्मिनेट, लगभग दोनों मर्ज कर दिया जाए तो 50 ट्रेन डेली यहां से ऑरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है। तो चलिए देखते हैं कैसा है, यही है हमारा बिहार का राजधानी पटना। तो पटना से हो रही है अपनी ट्रेन जर्नी, वो भी पैसेंजर ट्रेन में। इस तरह का जर्नी होती है, देख सकते हैं कितना क्राउड होती है। और यहाँ का देख सकते हैं निमकी है जो कि बहुत फेमस है भाई, पहले हम जाते थे तो खूब खाते थे, लेकिन पहले हम जाते थे इधर जर्नी रहता था ना, हमेशा बिहार में रहते थे तो ज़रूर खाते थे निमकी, ट्रेन जर्नी करते थे तो। लेकिन अभी तो फिलहाल बिहार में रहना हो नहीं रहा, आप लोग जानते ही हो, तो हमेशा ट्रेन जर्नी होती रहती है। तो ये स्टेट छोड़कर अगला स्टेट कोई भी जाओ तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं मिलती है, ना निमकी मिलती है ना लिट्टी मिलती है तो आपको मिलेगा साउथ इंडिया में क्या। तो भाई साहब इडली वड़ा खाते खाते आजीज हो गए थे, तो आ चुके अभी घर पे। तो हो रही है अपनी पटना जंक्शन से डिपार्चर, जो कि आप देख सकते हैं पटना जंक्शन से हो रही है अपनी ट्रेन की डिपार्चर। अपना ही मजा है भाई साहब, जो 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 कुछ भी आपको देखने को मिलेगा ना पटना जंक्शन पे आगे आपको देखना है घूमना है तो आप लोकल ट्रेन को विजिट करना है। में जगह बना लो, सबसे लास्ट बोगी लो। तो थोड़ा यहाँ पे होती क्या है ना, मोबाइल थोड़ा चोरी होती है तो बाहर थोड़ा कम मोबाइल निकाले, हम पहले भी बताते थे जर्नी में, क्योंकि मेरे सामने ही चोरी हुई है टाटा वाला जो जर्नी कर रहे थे उसमें। तो ऐसा नहीं, आप बढ़िया से ट्रेन जर्नी करें और यहाँ पर सब चीज़ उपलब्ध होता है, देख सकते हैं। तो खेल और मनोरंजन के साथ सभी लोग जा रहे हैं, तो देख सकते हैं आप लोग। तो लगी हुई है संपूर्ण क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो भी देख सकते हैं न्यू दिल्ली जाने के लिए राजेंद्र नगर टर्मिनल से, देख सकते हैं लगी हुई है। और इसका क्राउड भाई साहब देख सकते हैं जनरल बोगी का। तो आपको बता दें इसमें जर्नी करना बहुत मुश्किल है, जब तक मेरा टिकट कन्फर्म नहीं होगा भाई साहब हम हिम्मत नहीं कर सकते, देख सकते हैं आप। तो इसकी चेकिंग भी बहुत ज़बरदस्त होती है और वहाँ पर मेरा देश का तिरंगा है, जो कि देख के हमको बहुत खुशी होती है। और भीड़ यहाँ भी होने वाली है, आप देख सकते हैं कितना भीड़ होती है, राजेंद्र दोनों साइड से भीड़ होती है भाई। देख सकते हैं ये है हमारे लोकल ट्रेन, देख सकते हैं आ गए हैं सब पैसा लेने के लिए।
वही ना है पैसे लेने वाला ना, 10 रुपया जो लेते हैं इधर उधर। राजेंद्र नगर टर्मिनल से हो रही है डिपार्चर देख सकते हैं, और वो साइड लगी हुई है संपूर्ण क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जो कि भाई साहब सच में सुपर फास्ट वाली ट्रेन है वो। और वो साइड लगी हुई है तेजस राजधानी देख सकते हैं, तेजस राजधानी लगी हुई है अपनी, और हो रही है राजेंद्र नगर टर्मिनल से हमारी दीवार सब पर चल पे जो सो के चल गई। और ये लगी हुई है पटना लोकमान तिलक सुपर फास्ट एक्सप्रेस जो कि खुलने वाली है कुछ देर में। पटना से 24 किलोमीटर का डिस्टेंस पर फतुहा जंक्शन है, और इसका स्टेशन कोड होता है FUT, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो 8 है। और भाई साहब फतुहा जंक्शन पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन इस्लामपुर की ओर निकल जाती है और एक लाइन हावड़ा न्यू दिल्ली मेन लाइन हो गई, तो ये इस कारण फतुहा देख सकते हैं कितना क्राउड है जो कि निकल रही है फतुहा से। तो बहुत ज्यादा भीड़ की बात करें तो देख ही रहे पूरा ट्रेन ही फुल है, और अभी होने वाली है धीरे धीरे और हो जाएगी पूरा फुल हो जाएगी, तो मजा आता है भाई साहब इधर का लोकल ट्रेन में रात में ट्रेवल करने का अलग ही मजा और अपना एक्सपीरियंस होता है देख सकते हो। तो इधर का लोकल ट्रेन में आप ट्रेवल करो तो और मजा आएगी आपको, बाकी तो देख ही सकते हो सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन से ही ज़्यादा मजा आता है। सब 38 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम पहुंच चुके हैं पटना जंक्शन से बख्तियारपुर जंक्शन। तो बात करें इस ट्रेन की तो विजुअलिटी लो है थोड़ा सा भाई, मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा विजुअलिटी लो है। तो बात करें इस ट्रेन की ओवरऑल तो देख ही सकते थे कितना क्राउड था उधर, लेकिन अब क्राउड और वो साइड कोई नई ट्रेन आई है तो चलिए लेके चलते हैं यहाँ से आपको। ये जा रही है भाई साहब देख सकते हैं, ये जा रही है कोई ट्रेन है जो कि जा रही है, नाम पता नहीं लग रहा है, रात में विजुअलिटी लो है तो नाम पता नहीं लग रहा, तो अपनी ट्रेन की हो चुकी है यहाँ से सिग्नल और मिलते हैं आपसे। और बात करें बख्तियारपुर जंक्शन की तो बख्तियारपुर जंक्शन जिसका स्टेशन कोड होता है BKP, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पर 6 है, ट्रैक की बात करें तो भाई साहब 8 है। और भाई साहब अपनी ट्रेन की हो चुकी थी सिग्नल, हम बोल रहे थे ना तो खुल गई है, तो इलेक्ट्रिक ट्रेन पे आप रिक्स नहीं ले सकते हैं क्योंकि समझ सकते हैं कितना जल्दी स्पीड पकड़ती है। तो चलिए बख्तियारपुर जंक्शन पॉइंट इसलिए होती है क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकल जाती है हावड़ा न्यू दिल्ली मेन लाइन, और एक लाइन निकल जाती है राजगीर की ओर, राजगीर गया सेक्शन एक न्यू बनी है तो उस वो साइड निकल जाती है। तो चलिए लेके चलते हैं आपको बिहार से भी, मैं अब बात करते हैं वहीं पे। तो क्या बोले भाई, बहुत भीड़ था इसमें यार, बहुत ज़्यादा क्राउड था इसमें, आप देख ही रहे थे पटना जंक्शन से। तो चेन्नई वाला जो जो देखे हैं, अगर आप चेन्नई वाला लोकल ट्रेन देखे हैं तो पता ही होगा मेरा चैनल पर कैसा लोकल ट्रेन वाला था, तो चेन्नई से भी ज़्यादा क्राउड रहता भाई साहब। चेन्नई में तो हर 2 मिनट पर आपको ट्रेन मिल जाएगी, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं रहता है, चेन्नई लोकल्स की बात अलग है और बिहार लोकल्स की बात अलग है। तो चलिए मिलते हैं आपसे डायरेक्ट इसका फाइनल डेस्टिनेशन, वहाँ से अपनी ट्रेन की डिपार्चर बख्तियारपुर से। तो देख सकते हैं जानवर कितना रिक्स लेती है, तो हट गई, उसको डराएं थोड़ा सा।
तो भाई साहब अपनी ट्रेन की अराइवल हो चुकी है बिहार शरीफ जंक्शन पे, और बात करें बिहार शरीफ जंक्शन की तो देख सकते हैं विजुअलिटी लो है यहाँ पे। अंकित पांडे, तो पटना जंक्शन से 130 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम पहुंच चुके हैं बिहार शरीफ जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड होता है BESH। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहां पर 4 है। ट्रैक की बात करें तो भाई साहब जो नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है वही ट्रैक है। और जंक्शन पॉइंट इसलिए होती है क्योंकि यहां से एक लाइन निकल जाती है राजगीर की ओर और एक लाइन निकल जाती है अभी न्यू बनी है जो शेखपुरा लाइन बनी है, और एक लाइन निकल जाती है दनियामा की ओर। तो इसलिए बिहार शरीफ एक जंक्शन पॉइंट बनती है भाई साहब। तो आप पहला बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट करिएगा। अब मिलते हैं कभी और किसी और नेक्स्ट जर्नी पर, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, लगातार अपने भाई के साथ ट्रेन जर्नी करते रहिए। सी यू सून, टेक केयर, बाय। मिलते हैं कभी और किसी और नेक्स्ट जर्नी पर। जय हिंद, बाय।